दुर्र मंसूर में सफ़ा नंबर 15 जिल नंबर 1 में ये हदीस पाक मनकुल है कि कुछ सहाबा एक कौम के पास से, मतलब कहीं जा रहे थे, तो एक कौम से, एक कबीले के पास से आप लोगों का गुज़र हुआ। तो आप लोग उनके पास गए कि हम सफ़र पर हैं, हमारे कुछ खाने वगैरह के लिए हमें दीजिए, हमें थोड़ा देर रुकने दीजिए आपके यहाँ पर। तो उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं यहाँ कोई ज़रूरत नहीं ठहरने की, आगे बढ़ो। यानी बिल्कुल आप लोगों की खातिर मदारत नहीं की और हटा दिया। थोड़ा आगे चले थे तो इतने में उसी कबीले से एक शख्स भागता हुआ जल्दी जल्दी, अरे बोले तुम में से कोई दम करना जानता है क्या? ये जो इस्लाम से पहले भी दम वगैरह किया जाता था, तो उसने वही सोचा, यानी अरबों में रिवाज था, और पता नहीं कुछ और पढ़ते थे, कुरान शरीफ नाजिल होने से पहले दूसरी कुछ बातें पढ़ते थे, कुछ भी होगा मंत्र वगैरह समझ लीजिए, मंत्र ने यहाँ की ज़बान में कह दिया, वहाँ पर कुछ इसे इसके लिए लफ्ज़ भी मौजूद है अरबी में भी, आप यही समझ लीजिए मंत्र जैसा। वो इस्लाम से पहले का कुरान नाजिल होने से पहले भी दम वगैरह किया करते थे, तो उसने ये सोचा इनमें भी कोई होगा, तो फौरन भाग कर आया कि तुम में से कोई है जो दम करना जानता है? हमारे सरदार को या उसके बेटे को उसमें जिक्र है कि उसको सांप ने काट लिया है, तो अगर तुम कोई दम कर दो तो ये एक साहबी कहे मैं हाँ मैं कर दूंगा पर 100 बकरियां लूंगा। इन्हें हटाया था ना, उन्होंने कुछ दिया नहीं था, तो अब ये भी दम करूंगा पर 100 बकरियां लूंगा। हाँ ठीक है जल्दी आओ, चलो कर दो, हम दे देंगे 100 बकरियां। ये गए और दम करके आ गए, और साथ में उन्होंने 100 बकरियां भी दे दी, ये भी लेकर आ गए। इसमें और भी हदीसें इस तरीके की मौजूद हैं कि एक जगह पर लड़की का जिक्र है, उसने अगर कहा था तो वहाँ भी सहाबी गए थे। और तो आप ये मैं एक ही हदीस को समझ लीजिए, इसी रिवायत को। तो जब बकरियां लेकर आए तो सब दूसरे जो सहाबा थे वो बोले अरे तूने दम किया, तूने दम कर दिया, इन्हें इस्लाम से पहले की बात, ये बकरी हम नहीं लेंगे। तो भाई उससे उनकी मदद कर दी, वो मर रहा था, तो जिन्होंने अपने हमको कुछ दिया नहीं खाने के लिए पीने के लिए, हमें रुकने नहीं दिया, हमारी इज्जत नहीं की, तूने जाके उसके सरदार को बचा लिया, दम करके आया तू, ये बकरी हमको नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, एक काम करते हैं यहाँ कोई बात मत करो, चलो सरकार की बारगाह में चलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाएंगे हम वैसे ही करेंगे। तमाम सहाबा बकरियां वगैरह लेकर आए और हुजूर की बारगाह में सारा मामला किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम देखिए इसने दम कर दिया, ये दम करता है ये। तो ये सहाबी आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ, मुशरिकाना रस्में जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, या रसूलल्लाह मैं पक्का मुसलमान हूँ, सारी चीज़ें मैंने वो पुरानी ख़त्म कर दी, मैंने जो दम किया है तो कोई मुशरिकाना जो पिछले के जो गलत मंत्र वगैरह थे मैंने वो नहीं पढ़ा मेरे सरकार, मैंने उस पर जो पढ़कर दम किया है जिससे उसे शिफा मिली है, जिससे वो अच्छा हुआ है, मैंने और कुछ नहीं पढ़ा सरकार, मैंने सिर्फ उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम की और उसी से वो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर दम की उसी से वो ठीक हो गया। तो उसने फरमाया तूने हक के साथ दम किया है, तूने हक के साथ हक पढ़कर तूने उस पर फूंका है, तूने कोई गलत चीज़ नहीं, यानी एक मुशरिकाना जो रस्में थी जो मंत्र वगैरह था तूने वो नहीं पढ़ी, सच्ची बात पढ़ी है। तो फरमाया कि ये बकरियां तुम सब के लिए हलाल है, तुम सब अपना अपना हिस्सा लो, और फिर सरकार ने ये भी फरमाया कि इसमें से मुझे भी हिस्सा देना, यानी बिल्कुल सरकार ने बता दिया यहाँ पर कि सूरह फातिहा पढ़कर दम करना बिल्कुल जायज है। और सिर्फ ये नहीं बताया जायज है, बल्कि यहां से ये मसला भी साबित हुआ कि किसी भी दीनी काम के लिए अगर उजरत कोई आदमी मांगता है, कोई कि मैं इतना पैसा लूंगा या ये चीज लूंगा, अगर मांगता है तो ये सहाबी के अमल से साबित है और उस अमल को हुजूर ने भी जायज रखा है, बल्कि उसमें से अपना हिस्सा भी लिया है। हाँ ये बात है कि अगर कोई और नहीं कर सकता है वो काम, मजबूर है, तब उस मजबूरी का फायदा तुम नहीं उठा सकते, मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। हाँ अगर दूसरे भी हैं और लोग तुमसे करवाना चाहते हैं तो अब अगर उजरत फिक्स की जाती है तो कोई गलत नहीं है, इसमें बिल्कुल इस हदीस पाक से जवाज का सबूत मिलता है। और आज बड़ा उल्टा चलता है मामला यार, बहुत हम लोग हमारी सोच कितनी छोटी हो गई है, अगर
मस्जिद के इमाम साहब ने कुछ मांग लिया कुछ काम करने के लिए, भाई मैं फातिहा पढ़ने आऊँगा ये लूँगा, तो अरे अरे देखो ये इनको फातिहा पढ़ने के लिए भी चाहिए, एक झाड़ू मारने वाला झाड़ू मारता है तो उसको देने को आप तैयार हैं, झाड़ू मारने वाले को भी आप पैसे देने को तैयार हैं उसकी खदमत, लेकिन इमाम साहब की अपने पास से खिदमत अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। कोई आलिम दीन की अगर आप कोई आलिम दीन अगर बयान के लिए कोई है, इनको बयान के लिए भी इतना पैसा चाहिए। हाँ ये और बात है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों वाली बातें चल रही हैं और कुछ सीखने सिखाने नहीं मिलता, सिर्फ लफाजी होती है तो वो तो सही नहीं है, उसके तो हम भी खिलाफ है। हाँ कुछ सीखने वाकई सीखने मिलता है और वहाँ पर अगर आप कुछ देते हो तो वो तो यकीनन बिल्कुल जायज़ है देना, बल्कि देना चाहिए, खुद से आगे बढ़कर देना चाहिए, पर ये उल्टा होता उल्टा है दुनिया के कामों में खूब। अभी हमारे हमारे जेब से पैसे निकलते नहीं हैं, हमारे पैसे जाते हैं, अब अगर महीने का हम देखें तो छोटी छोटी चीज़ें जो है कहाँ कहाँ पैसे हमारे चले जाते हैं। आज इंटरनेट के बगैर हमारे बच्चों का मामला नहीं चलता, हमारा मामला नहीं चलता, हर एक के मोबाइल में कम से कम आज कम से कम की छोटे से छोटी रिफिल जो है वो 200 रुपये की कम से कम है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 250-300 वाली भी रिफिलें मौजूद हैं। हर महीने इतना डालना है, 1 GB 1.5 GB चाहिए, किसी को तो 2 GB भी बस नहीं होती, वो भी चाहिए। चलिए वो हो गया, वाईफाई घर में लगा हुआ है 500-700 रुपये 600 रुपये और जैसा प्लान लीजिए वैसे वो रोज़ाना हर महीने का हमारा जा रहा है, केबल टीवी में हमारा पैसा लगा हुआ है वो जाता है हर महीने, हमें सब चलता है, हम अपने खर्चे ज़रूर करने को बिल्कुल तैयार हैं। हाँ दीन के काम के लिए खर्च करना है तो अरे इमाम साहब को इतना चाहिए, अरे मौलाना साहब को ऐसे ही चाहिए, वहाँ पर आपकी जेब से 200 रुपया नहीं निकलता, वहाँ पर हमारी जेब से पैसे खर्च नहीं होने के लिए हम तैयार नहीं है खर्च करने को, हम दूसरे कामों में खर्च करने को तैयार है। अगर किसी ने मांग दिया तो फिर तो ओहो हो, इसका तो भाई इनको तो दुनिया दुनिया लगी हुई है, किसी काम के नहीं है, तो दुनियादार आदमी है, अपनी दुनिया भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि तुम इतना दे दो कि इमाम साहब कभी तुमसे मांगे ही नहीं, उनको इसी इतना सहूलत दे दो। आज मैंने देखा बेचारे नमाज भी पढ़ाते हैं और फिर कुछ काम धंधा भी ढूंढते हैं कि कुछ काम धंधा करें ताकि जरिया माश चल सके। तुम्हारी इमाम की तनख्वाह इतनी करके कम करके रखी हुई है कि बेचारे परेशान है कि क्या कैसे जिंदगी गुजारें। ये हमारी कौम का हाल है, ये हमारा हाल है या और हदीस पाक में क्या है, बिल्कुल तो ये हदीस पाक से साबित है। खुदा के लिए शैतानी वसवसों में मत पड़ी। और एक और बड़ी शर्म की बात है, अफसोस होता है मुझे, ऐसा दिल होता पकड़ के उनको झिझोड़ कर बोलूँ, झिझोड़ूँ, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि बच्चा अगर ट्यूशन पर जाता है तो ट्यूशन पे जो वैकेशन होती है ना, हॉलीडेज जो चलते हैं, उस छुट्टी का जो है जो ट्यूशन वाला होता है वो छुट्टी का भी पैसा लेता है, छुट्टी के भी पैसे लेते हैं। लेकिन अफसोस है कि जो वैकेशन पर अगर हम कहीं घूमने चले गए तो घर पे जो पढ़ाने आते हैं हाफिज साहब या मौलाना साहब बच्चों को, हम उनको देने को तैयार नहीं है। अरे आप तो आए नहीं तो इसका कैसे दे सके। ये हुए मामला मेरे साथ भी हुए, मैंने करोड़पति जो है उन लोगों को देखा है मैंने, आप तो आए नहीं, बच्चे तो बच्चे ने तो पढ़ा नहीं तो काहे कि यानी आपको दिया जाए, किस चीज़ का दिया जाए, शर्म नहीं आती है। ट्यूशन वाले को तो आप देने को तैयार है और जो अल्लाह का कलाम आपके बच्चे को सिखा रहा है वहां देने के लिए आपको इन्हें बिल्कुल तकलीफ हो रही है। ट्यूशन वाला तो मांग के लेता है कि हाँ मैं ये छुट्टी का भी लूंगा, वहाँ आप देने को तैयार हैं और बहुत ज़्यादा देने को तैयार हैं। यहाँ पे हाफिज़ साहब को 200-500 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आपको भारी पड़ता है देना। ये हमारी मोहब्बत है यार, ये हम इस्लाम के मानने वाले हैं। होश करो मेरे भाइयों, होश करो। अल्लाह हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाए। दरूद पाक पढ़िए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब दम करने की जब बात आई है तो मैं कुछ बातें अर्थ कर दूं। ये तफसीर अज़ीज़ी का जो तर्जमा मेरे पास है, सफ़ा नंबर 149 जिल्द नंबर 1 में ये मशाइख के आमाल में से लिखा हुआ है। फरमाते हैं कि नमाज फज्र की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान, सुन्नत पढ़ ली अब फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 41 बार 40 दिन रोज़ाना 41 बार सूरह फातिहा ऐसे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मीम को अल्हम्दो के लाम से मिलाना, कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीम रहीम पर रुकना नहीं है, पढ़ते जाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे नहीं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو لام سے ملا دینا ہے, الف نہیں پڑھنی ہے. ایسے 41 بار 40 دن جو اس کو اس طریقے سے پڑھے گا تو جو مطلب ہوگا وہ مطلب حاصل ہوگا. اگر بیمار کی شفا یا جسے جادو کیا گیا ہے اس کی نجات منظور ہو تو پانی پر اس طریقے سے پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس مریض کو دیں تو اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ. یہ بڑا مجرب عمل ہے, یہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر کہیں اور لیکن دیکھیے کتنا یعنی شرط بھی ہمارے اسلاف جو نماز پہلے نماز فجر کی نماز میں اٹھنا ہے, سنت پڑھنی ہے, سنت کے بعد فجر کے بیچ میں فرض کے بیچ میں یہ پڑھنی ہے, یعنی جلدی اٹھنا پڑے گا اذان ہوتے ہی, مطلب نماز سنت پڑھ کے 41 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے اور پانی پر پڑھ کر دیں تو انشاءاللہ بیماری بھی دور ہو اور سانپ وغیرہ کا کانٹا جادو وغیرہ جو رہے اس سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مہینے کی پہلی اتوار یعنی جو پہلا اتوار آئے گا اس کی فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں میم کو لام کے ساتھ ملائے بغیر, پہلے ملانے والا تھا ملانا نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے, پہلی اتوار کو اٹھے 70 مرتبہ پڑھنا ہے, اس کے بعد ہر روز اسی وقت یعنی فجر سنت اور فجر کے بیچ میں پڑھنا ہے, سنت اور فرض کے بیچ میں پہلے 70 پڑھے, اب 10 دن کم کرنا ہے یعنی 60 بار پڑھیں گے, پھر اس طریقے سے روز آنا پڑھتے پڑھتے 10 دن کم کریں گے تو ایک ہفتے میں یہ ختم ہو جائے گی پورے, یعنی یہ 70 کے 70 جو پہلے 70 تھی 60 50 40 اب ختم ہوئی. ایک مہینے میں کریں دعا وغیرہ جو آپ کا مطلب ہے وہ کریں, تو اگر پورا نہیں ہوا اس مہینے تو دوسرے مہینے کریں, تیسرے مہینے کریں, انشاءاللہ اس عمل کو دہرانے سے شفا بھی ملے گی, جو مطلب ہے وہ مطلب بھی حاصل ہوگا. اس سورے کو جو چینی کا برتن جسے جو بولتے ہیں نا چینی مٹی گھروں میں ہوتا ہے پیالہ وغیرہ, گلاب اور مشک اور زعفران کے ساتھ لکھنے سے اسے دھو کر پلانے سے, مشک وغیرہ ملنا تو مشکل ہے, کم سے کم گلاب کا پانی تو ملتا ہی ہے, زعفران بھی ملتا ہے, زعفران تو دکھائی بھی دے گی, تو لکھ لینے کا لکھ کر رکھیں اور اسے دھو کر پلانے سے 40 دن تک پلائیں تو انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے شفا ملے گی, دانت پیٹ سر درد کی تمام بیماریوں پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے بھی شفا ملتی ہے. تو یہ اس کے نسخے ہیں, تو یاد رکھیے اب فضائل موقع ملے تو پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ, اور اللہ پر بھروسہ رکھیے ضرور ثواب ملے گا, اللہ کا کلام ہے ضرور اس میں شفا حاصل ہوگی. تو یہ شفا کا جو باب ہے, یہ فضائل کا جو باب ہے, میں اس کو یہیں پر اب روکتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اس کے اگلے آڈیو میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی سننے عمل کرنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ المبین.